So, आज की वीडियो में हम कलेक्ट करने वाले हैं 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक्स एंड उनकी मदद से हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा बीकन। So, क्या हम 90 लाख एमरल्ड कलेक्ट कर पाएंगे एंड अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाएंगे। ओके, तो ये आ गए हम अपने 1 ब्लॉक वर्ल्ड में। कुछ पूछा मैंने कुछ एंड अभी मैं खड़ा हूँ अपने 100 बीकन्स के पास जो हमने लास्ट वीडियो में बिल्ड किए थे, वो भी 100 वितर्स को मार के। एंड आज हमें कलेक्ट करना है लाखों एमरल्ड ब्लॉक्स एंड उसकी मदद से बनाना है दुनिया का सबसे बड़ा बीकन। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे एमरल्ड्स लाएंगे कहाँ से। सो एमरल्ड कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। हम सबसे पहले विलेजर्स के साथ ट्रेड करके उनसे एमरल्ड कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हम माइनिंग करके एमरल्ड कलेक्ट कर सकते हैं एंड थर्ड में हम फार्म बिल्ड कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फर्स्ट मेथड जो कि है ट्रेडिंग। तो मैं फटाफट से अपने विलेजर्स के पास आ जाता हूँ एंड स्टिक के बदले में उनसे एमरल्ड्स ट्रेड करता हूँ। बट फिलहाल तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास कुछ भी स्टिक्स नहीं है। शायद हमें 2-3 स्टैक लॉक्स लेके आने पड़ेंगे। एंड हाँ, हमारे पास लकड़ियां तक नहीं है, लिटरली एक लॉग भी नहीं है हमारे पास। अबे साले, सॉरी। सो सबसे पहले हमें बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड भाई ये कलेक्ट कर लिया मैंने इतनी सारी लकड़ियां एंड अब इनकी मदद से विलेजर्स के साथ थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं। ओके भाई लोग, सो विलेजर के साथ मैंने ट्रेडिंग थोड़े देर तक ही की बट उतने में ही मैंने कैलकुलेशन लगा लिया है। सो 1 घंटे में हम कलेक्ट कर सकते हैं 100 स्टैक्स ऑफ फूड लॉग एंड 1 स्टैक लॉग्स की मदद से हम कलेक्ट कर सकते हैं 16 एमरल्ड्स। मतलब 1 घंटे में हम 1600 एमरल्ड्स कलेक्ट कर पाएंगे एंड इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन करो तो हमको 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए 5625 घंटे लग जाएंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 महीने भाई साहब। मतलब विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करके 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक्स कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। सो अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हुए हैं, एक तो माइनिंग एंड तीसरी है फार्मिंग। एंड भाई ये 1 ब्लॉक वर्ल्ड है, यहाँ पे माइनिंग करना भी इम्पॉसिबल है, तो हमको लास्ट में एक फार्म ही बिल्ड करना पड़ेगा। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि एमरल्ड फार्म को रन करने के लिए पिलेजर आउटपोस्ट की भी जरूरत पड़ती है एंड ये तो 1 ब्लॉक है, तो बिना पिलेजर आउटपोस्ट के हम अपने फार्म को रन कैसे करवाएंगे? तो इस चीज का जवाब तुम लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएगा। सो क्योंकि हमको मिलियंस ऑफ एमरल्ड चाहिए तो हम बिल्ड करने वाले हैं काउ किंग का जायंट रेट फार्म जो कि 1 घंटे में 2 लाख एमरल्ड्स प्रोड्यूस करता है। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस फार्म को बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। इसमें भाई बहुत सारे आइटम्स लगते हैं लिटरली। तुम लोग देखो, जस्ट हमें ग्लास की 15-16 स्टैक चाहिए एंड हॉपर्स पे भी ध्यान दो, हमें लिटरली 5-6 स्टैक चाहिए हॉपर्स के, जिसमें भाई कितना सारा वुड और आयरन जाएगा। सो अब फटाफट से सारे आइटम्स को कलेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं अपने पास जितना भी सैंड होता है उन सभी को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ क्योंकि हमें ग्लास की भी बहुत ज्यादा जरूरत है एंड जब तक हम बाकी रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे तब तक हमारी सारी सैंड भी स्मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें क्राफ्ट करना है बहुत सारे हॉपर्स, तो ये ले लिया हमने बहुत सारी लकड़ियां एंड ये क्राफ्ट कर लिए बहुत सारी चेस्ट। एंड अब हमें बहुत सारा आयरन चाहिए होगा जो कि ये रहे एंड ये क्राफ्ट कर लिए हमने सारे के सारे हॉपर्स भी। एंड ऐसे ही फिर मैं एक एक करके सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। एंड ये कलेक्ट कर लिए हमने सारे रिसोर्सेज अपने जायंट रेड फार्म को बिल्ड करने के लिए। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई 3 शल्कर बॉक्स भर के रिसोर्सेज आइटम्स है। एंड फिर पता नहीं क्यों मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाके एक फालतू सी इंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी कई सारी लेवल्स खो देता हूँ एंड 161 लेवल से सीधा 54 लेवल पे आ जाता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। सो अब सब कुछ रेडी है एंड हमने सारे रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिए है एंड भाई ये रहा अपना बड़ा सा फार्म का होलोग्राम। सो अब टाइम पास बहुत ज्यादा हो गया है, अब फटाफट से अपने फार्म को बिल्ड करते हैं।
सो मैंने अपने बड़े से फार्म का स्ट्रक्चर तो रेडी कर दिया है एंड अब बस हमें छोटे मोटे काम करना है, जैसे कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे विलेजर्स ट्रांसफर करने हैं। सो ये रहा हमारा विलेजर नंबर 1, विलेजर नंबर 2 एंड ये रहा हमारा विलेजर नंबर 3। एंड इसी के साथ मैंने एक एक करके सारे विलेजर उनकी जगह पे पहुंचा दिए हैं एंड अब बस हमें एक लास्ट काम करना है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजर काम है। लिटरली इसमें हम अपने हार्डकोर वर्ल्ड को भी खो सकते हैं। ये जो तुम लोग बोर्ड से घिरे हुए 4 चैम्बर देख रहे हो, इनमें हमें इवोकर को लाकर ट्रांसफर करना है एंड उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे छोटा सा चैम्बर बिल्ड कर लेता हूँ जहाँ पे हम अपने इवोकर्स को कैप्चर करेंगे एंड फिर उन्हें चैम्बर्स में ट्रांसफर करेंगे। सो मैं अपने chunkbase.com पे जाता हूँ एंड वहाँ पे अपने वर्ल्ड का सीड डाल के मैं एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढ लेता हूँ एंड फिर सीधा निकल जाता हूँ उस पिलेजर आउटपोस्ट को अपने वर्ल्ड में ढूंढने के लिए। एंड गेस व्हाट, थोड़ी देर में मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल भी जाता है जो कि लिटरली हवा में था। भाई ये देखो, ये क्या ही अजीब सा लग रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से पिलेजर कैप्टन को मारता हूँ एंड बैड ओमेन का इफेक्ट लेके अपने बेस की तरफ निकल जाता हूँ। ओके भाई लेट्स गो, रेड ट्रिगर भी हो गई है। ओके भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर स्पॉन हो गए हैं एंड यहाँ पे इवोकर्स भी है। वेट, फटाफट से इनको नेम टैग देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई भाई बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। लेट्स गो, दूसरा वाला भाई, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। भाई 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 भाई, खत्म है। ओ भाई, एंड इन पिलेजर्स को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें जा रही थी। भाई ब्रो, व्हाट द हेक, निकलो यहाँ से। ओरे भाई साहब, 1 heart, लिटरली भाई लेजिट, मैं 1 heart पे बचा हूँ यहाँ से। ब्रो ये क्या है। बट स्टिल बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद मैं इन चारों इवोकर्स को उनकी जगह पे पहुंचाता हूँ एंड अब हमारा बड़ा सा फार्म एकदम रेडी हो गया है एंड अब करते हैं हम अपने फार्म पे AFK। एंड 1 घंटा AFK करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करने आता हूँ। अब दिया बट यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी भी हमने एक काम कंप्लीट नहीं किया था। साले तू, मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। हमें इस फार्म वाले पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा जाना है नेदर में एंड नेदर में बिल्ड करना एक रेविजर किलिंग चैम्बर। एंड उसके बाद मैं एक बार फिर से अपने पिलेजर आउटपोस्ट पे आ जाता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर देता हूँ एंड साथ ही यहाँ के कॉर्ड्स भी लेता हूँ एंड उसके बाद बैड ओमेन इफेक्ट लेके मैं एक बार फिर से AFK करता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पे AFK करते हुए मुझे 30 मिनट्स हो गया है एंड भाई तुम लोग ये देखो, यहाँ पे क्या ही बरसात हो रही है। सो फटाफट से सबसे पहले तो यहाँ से दूर चलते हैं ताकि ये सब लोग डिस्पॉन हो जाए एंड हमको मिल जाते हैं 7 shulker box of emeralds जो कि पहले से बहुत ज्यादा है। फिर मैं इन सारे एमरल्ड्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड अपने पास आ जाता है ऑलमोस्ट 1 shulker box भर के एमरल्ड ब्लॉक्स। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ नेदर रूप पे एंड यहाँ पे बिल्ड करता हूँ एक पोर्टल जो कि हमको सीधा लेकर जाएगा पिलेजर आउटपोस्ट पे एंड अब हमारे लिए ट्रैवल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एंड हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा। एंड हमें अपनी इस बेस वाले पोर्टल को भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब हम नेदर से बैड ओमेन इफेक्ट लेकर आएंगे तो यहाँ पे बाजू में विलेजर्स है तो यहीं पे रेड ट्रिगर हो जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड ये बिल्ड कर दिया हमने अपने नेदर पोर्टल को दूसरी जगह पे जो कि हमारे शुगर केन फार्म के पीछे है एंड अब बस हमें एक लास्ट काम करना है। यहाँ से लेते हैं हम बहुत सारे आयरन ब्लॉक्स एंड बीकन भी एंड अपने रेड फार्म के पास हमें एक बड़ा सा बीकन बिल्ड करना है। सो हमने अपना बड़ा सा बीकन भी बिल्ड कर लिया है एंड इस बीकन की मदद से हम अपने रेड फार्म पे लंबे समय तक AFK कर पाएंगे एंड अब हमें लिटरली 40-50 घंटे तक AFK करना है। मुझे अपने PC को 2 दिनों तक ऑन ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको भाई बहुत सारे एमरल्ड्स चाहिए। सो लेट्स गो, चलते हैं, मैं तुम लोगों को मिलता हूँ 48-50 hours के बाद। ओके गाइस, सो तुम लोग जस्ट मेरे XP पे नजर डालो भाई, 3643 XP हो गई मेरी लिटरली एंड मुझे AFK करते करते ऑलमोस्ट दो दिन से 1-2 घंटे ज्यादा हो गए होंगे एंड मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अपने पास अब कितना सारा एमरल्ड्स है। एंड ये देखो,
यहाँ की ये सारी की सारी चेस्ट एमरल्ड ब्लॉक से भरे शल्कर बॉक्स से भरी पड़ी है। एंड इन सारे एमरल्ड्स को अब हमें फिर से ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें भाई और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड भाई लोग, तुम लोग ये देखो भाई, अपने पास आ गए इतने सारे एमरल्ड ब्लॉक्स। एंड इतने में तो हम अपने बीकन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास का सारा खाना और रॉकेट्स खत्म हो गया है। सो सबसे पहले तो हमें उन सब चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी अपने पास बहुत सारे बेक्ड पोटैटोस तो है, हमें रॉकेट्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे। ओके भाई, यहाँ पे बहुत सारा गन पाउडर है। अपना छोटा सा मॉब ग्राइंडर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड भाई, तुम लोग बोन्स और रोटन फ्लैश भी देख ही सकते हो। एंड अब हम एकदम रेडी हो गए हैं। सो अब चलते हैं एंड बिल्ड करते हैं अपना बड़ा सा बीकन। तो अपने बड़े से बीकन की पहली लेयर रेडी है। एंड ये बहुत बड़ा है भाई, मैं बता सकता है तुम लोगों को कितना ज्यादा जायंट है। एंड तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा भाई, ये पूरी तरीके से रेंडर तक नहीं हो रहा है। फिर मुझे इसके रेंडर डिस्टेंस को 48 चंक्स पे करना पड़ता है, तब जाके ये पूरा रेंडर होता है। एंड भाई, तुम लोग बस ये देखो, ये कितना बड़ा बीकन है भाई। इसको बिल्ड करने में ना मेरी हालत खराब होने वाली है भाई, मैं मतलब बता नहीं सकता अभी। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, बट रिकॉर्डिंग के टाइम में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से ये रिप्ले में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। ओके गाइस, सो तुम लोग देख सकते हो अभी बीकन्स के कुछ लेयर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट यार ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस बड़े से बीकन के चार कोनों पे चार बीकन सेटअप किया जाए, जिससे हम स्पीड 2 वाला इफेक्ट लेंगे एंड शायद उससे हमारी मदद हो जाएगी। इसलिए मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ एंड ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स ले लेता हूँ एंड साथ ही चार बीकन्स भी, एंड फिर एक एक करके चार कोनों पे चार बीकन सेटअप कर देता हूँ एंड साथ ही उनसे स्पीड 2 वाला इफेक्ट भी ले लेता हूँ। सो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना यहाँ पे इतना बीकन बिल्ड करके हो गया है, बट ये अभी 50% में नहीं हुआ है। एंड अभी हमको अपने फार्म पे और ज़्यादा एएप के करना है, क्योंकि तुम लोगों को पता है हमें कलेक्ट करना है 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक। वैसे तो हमें अपने जायंट से बीकन को बिल्ड करने के लिए सिर्फ 5.5 लाख ब्लॉक चाहिए, बट स्टिल मुझ में भाई चूल है, इसलिए मुझे कलेक्ट करना है 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक्स। सो अब चलते हैं एंड एएप के करते हैं। ओके गाइस, 50-60 घंटे बाद एक बार फिर से स्वागत है तुम लोगों का। एंड तुम लोग बस ये देखो भाई, यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ एमरल्ड्स के शल्कर बॉक्स पड़े हैं, वो भी भाई कई सारी चेस्ट भर के। एंड हमने कलेक्ट कर लिए 1 मिलियन प्लस एमरल्ड ब्लॉक्स। सो हमने अपने 1 मिलियन एमरल्ड ब्लॉक्स तो कलेक्ट कर लिए है, बट अभी भी हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट बीकन बिल्ड होने का बाकी है। एंड जो हमने बीकन लगाए थे ना भाई, उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है लिटरली, क्योंकि तुम लोगों को पता है बीकन के रेंज के बाहर जाती उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। एंड भाई वहाँ पे मैं बता ही नहीं सकता, वो बीकन लगा के कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ स्पीड 2 के पोशंस, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लेट्स गो गाइस, फाइनली 8-9 घंटे के मेहनत के बाद हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट बीकन बन के रेडी है। एंड भाई, इसको बिल्ड करने में मेरी लिटरली हालत खराब हो चुकी है भाई, ये इतना ज्यादा बोरिंग काम था एंड उसमें भी इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन 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 हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट बीकन बन के रेडी हो गया है एंड अब बस हमें यहाँ पे बीकन ला के लगाना है एंड वो एक्टिवेट हो जाएगा, बट हमारे पास बीकन ही नहीं है। एक छप्पड़ मार दूं। वेट, हम यहाँ से बीकन को चुरा लेते हैं, लेट्स गो। वैसे भी भाई चुरा ना के, ये तो हमारा ही बीकन है।
एंड लेट्स गो भाई, ये एक्टिवेट हो गया हमारा वर्ल्ड बिगेस्ट बीकन एंड हमने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। एंड वेट, अब मैं तुम लोगों को एक्चुअल में बताता हूँ कि ये बीकन कितना ज्यादा जायंट है। एंड तुम लोग ये देखो ब्रो, ये क्या है, ये हमारा बेस इतना सा। एंड ये बीकन देखो भाई कितना बड़ा है, लिटरली तुम इसके चारों कोनों पे चार ये छोटे छोटे बीकन देखो। एंड इस बीकन को देखो भाई साहब, भाई तुम लोग इसके नीचे की ये स्ट्रक्चर्स देखो भाई, ये विलेज वगैरह ये क्या ही लग रहा है इस बीकन के सामने। ब्रो ये सच में बहुत ज्यादा जायंट है, बहुत ज्यादा। सो मैंने तो जो बोला था वो करके दिखाया है एंड अपने वर्ल्ड में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। एंड अब तुम लोगों की बारी है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।